कश्मीर लेना भैया, आप बताएं कश्मीर लेना है। आईटी में वो हमसे आगे हैं, मेडिकल फील्ड में आगे हैं, इंजीनियरिंग में आगे हैं। ठीक है। किसी को जलाना जलाना छोड़िए, भून कर रख देना किसे कहते हैं, ये रिपोर्ट देखकर समझ आ जाएगी। ये रिपोर्ट देखकर तो शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ की नींद ही उड़ चुकी है, माथे पर शिकन नजर आने लगी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद तो चीन और पाकिस्तान में हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के जनरल बाजवा इमरजेंसी मीटिंग करने को मजबूर हैं। तो क्या है इस रिपोर्ट में, जिसके आने के बाद भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथी भी अब छाती पीट पीट कर रोने लगे हैं। बताते हैं वो रिपोर्ट क्या है, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आज से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये नया भारत है, ये ना छेड़ता है और ना छोड़ता है। ठीक उसी तर्ज पर, उसी तेवर के साथ इस नए भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से भारत के दो पड़ोसी मुल्कों के हुक्मरानों को तीखी मिर्च लग गई है। हो सकता है कि जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भागे भागे पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा से मुलाकात करें। आपको बता दें कि हाल ही में लोई इंस्टीट्यूट, जो कि एक बड़ी ऑस्ट्रेलियन रिसर्च कंपनी है, उसने हर साल की तरह इस साल भी अपना एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इस रिसर्च के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका 81.7 स्कोर लेकर है, दूसरे नंबर पर चीन 72.7 का स्कोर लेकर है, तो वहीं भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है 39.1 का स्कोर लेकर। पिछले साल के अनुसार अमेरिका को 1 पॉइंट की और चीन को 0.2 की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं भारत की 2.8 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में टोटल 27 देश होते हैं, जिसमें भारत ने रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित कई बड़े देशों को पछाड़ दिया है। ये रिपोर्ट 8 श्रेणियों को मद्देनजर रखे बनाई जाती है, जो कि सैन्य क्षमता, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक क्षमता और संबंध, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव, स्थिरता और भविष्य के संसाधनों पर है। इसमें कई ऐसे मुद्दे थे जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीति ने भारत की कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की युवा जनसंख्या और कोविड के बाद मजबूत आर्थिक सुधार ने भारत के स्कोर में 4.2 अंकों का इजाफा किया। अब इससे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान और चीन को लग रही है, क्योंकि एक और तो पाकिस्तान इन 27 देशों की लिस्ट में है ही नहीं, वो इस लिस्ट की टॉप 5 कंट्री में चीन को छोड़कर सभी 3 देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के मित्र देश हैं, जिसकी वजह से चीन के होश उड़ चुके हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाया है। भारत ने इतिहास में पहली बार इस रिपोर्ट में तीसरी पोजीशन हासिल करी है। पिछले साल भारत की रैंकिंग एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 5वीं थी। पिछले साल तक भारत से आगे जापान, रूस, चीन और अमेरिका था, लेकिन इस साल भारत ने रूस और जापान दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है और दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है।